आपको स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, अभी आप इतने हो, जैसे कौन बोल रहा था सर हमको, तो आप अभी बोल रहे थे ना हमको नवग्रह धूप तो बनाना सिखा दीजिए कि मेरा इकोनॉमी डेवलपमेंट हो जाए, बोल रहे थे ना। अब आपको नवग्रह धूप को बनाना और सिखाना और प्रोडक्शन करना, अगर 100 आदमी का एक शिविर होता है 5 दिन में, तो 100 आदमी अगर नवग्रह धूप बनाने लग जाए तो 5 दिन में कितने बना देंगे, ठीक है ना, रोजी रोटी हो सकता है ना। ऐसे ही जो देख रहे हो आज 1 लाख 1.5 लाख धन्वंतरी गच्छ है, अगर इसका एक शिविर लगाएंगे, क्या बोला, 1 टन का चाय बनाना है, धन्वंतरी चाय का पाउडर बनाना है, और सबको ही मेहनत करेंगे हम लोग मिलके, तो 1 टन धन्वंतरी चाय बनेगा कि नहीं बनेगा। 1 टन मतलब कितना किलो होता है, हैं, 1000 किलो, 1000 किलो। 1 किलो का कॉस्ट क्या है धन्वंतरी चाय का, पता नहीं। हैं, पता नहीं है, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 400 रुपया से लेके 1000 रुपया, और बड़े बड़े कंपनी और अच्छा अच्छा पैकिंग होने से 7000 रुपया, क्या सर, है ना। अब सोचो हम लोग मिनिमम कॉस्ट पकड़ते हैं 1000 रुपया, 10000 किलो प्लस इंटू 1000 रुपया कितना हो गया, 10000 किलो इंटू 1000 रुपया, 10000 10000 किलो धन्वंतरी का पाउडर इंटू 1000 रुपया 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाए, एक साथ सुना कभी सोच सकते हो कमाई। तो इतना बेस हम बना दिए हैं, अब इसको एक्टिवेट करने का काम है, ठीक है, अब उतना पैकिंग और उसको मार्केटिंग कर। अब समझ में आया क्या शिविर, प्रोडक्शन जो हम पैकिंग करेंगे उसको पाउडर बनाएंगे तो हाँ उसको सेलिंग कहाँ करेंगे, हाँ देखो ये आज के डेट में ऐसा प्रश्न दोबारा नहीं करना, बार बार कहता हूँ, सेलिंग का कोई सेलिंग का आज के डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंज्यूमर से अभी मार्केट सोचो आप एक तो बात, इंडिया से गोबर जापान खरीद रहा है, अग्निहोत्र कंडा अमेरिका खरीद रहा है, ठीक है, तो सोर्स है बोल के खरीद रहे हैं ना, इंडिया से आज दुनिया में कोई भी बड़ा मार्केट नहीं है। माटी बेच सक, यहां से माटी जा रहा है, और बताओ यहां से माटी बिक्री हो रहा है, और बताओ, तो बेचने का समस्या आज के डेट में नहीं है। मेरा यूट्यूब से मैं कितना माल बेच रहा हूं उसका हिसाब नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि कोई दुकान बना के नहीं बैठा है यहां पर, महाजन बन के ऐसा ऐसा करके नहीं कर रहा हूं, इसलिए बहुत सारा सामान बिक रहा है, बेचने का आज के डेट में कोई समस्या नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, अगर छोटा छोटा धन्वंतरी पैक कर दो, अब अंग्रेज लोग चाय कैसे बेचा जानते हो, फ्री में चाय पिला रहा था, पहले मेघना बीड़ी का कंपनी था, आप लोगों को शायद उस समय जन्म नहीं हो गए, देखा है, मेघना बीड़ी वाले क्या करते थे, एक ट्रक में लाते थे एक ठो लड़का को लड़की बना के, ठीक है, और उसको नचाते थे गाना बजा के, टेप रिकॉर्ड बड़ा सा चुंगा लगा के नचाते थे, नचा के फिर सबको फ्री में चाय पिलाते थे और साथ में मेघना बीड़ी पिलाते थे, मेघना बीड़ी कंपनी अपना ऐड कर रहा था बाजार बाजार में जाके, और उस समय कोई चाय नहीं पी रहा था, तो बाजार में जाके फ्री में अंग्रेज लोग चाय पिलाते थे, और आज देख रहे हो चाय का मार्केट क्या हो गया। तो हमें भी मार्केट के लिए काम करना पड़ेगा, आप बोलोगे मैं घर बैठूं और मेरा सामान बिक जाए, कैसे बिकेगा, नहीं बिकेगा। और लोग अगर एक बार, आप सोचो आप किसी को इतना फोर्स कर दो कि मेरा चाय तुम 1 महीना से 3 महीना पी के देखो, धन्वंतरी चाय, मेरा यूट्यूब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देख लेना, जो लोग को मैं पिलाया हूँ वो लोग अपना इंटरव्यू दिया है, वो क्या बोल रहे हैं, सर हमारा खाने का टेस्ट चेंज हो गया, हमें तो पता नहीं था कि ऐसा टेस्ट भी होता है खाने का, मतलब आप जो चावल खा रहे हो उसका टेस्ट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा धन्वंतरी पीते ही, आप धन्वंतरी पीते हो तो आपके पेट का एपेटाइटिस बढ़ जाता है, आपका भूख बढ़ जाता है। अभी आप, अब सोचो अभी ये जो रखे हो आपका चेचिस, लूना गाड़ी का चेचिस, ऐसा चेचिस हो जाएगा, लेलान हाँ लेलान गाड़ी का चेचिस हो जाएगा, बस समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, तो किसका कमाल है, धन्वंतरी का। अब तुम 90 दिन पियो तो ना, कम से कम एक आदमी 90 दिन पिएगा तब ना समझ में आएगा। अब एक बार अगर आदमी पी गया तो फिर वो 100 आदमी को भगत बनाता है। अभी वो बाबू भाई है मेरा, वो राउरकेला स्टील प्लांट में, वो सारा मैनेजर को बुला बुला के फ्री में पिलाता है, सर पी लिए तो, एक बार पीजिए तो, और जो पीता है वो भक्त हो जाता है। आपके क्वालिटी में दम है तो फिर बिक्री का कोई चिंता नहीं है। अब ये कलयुग है, अलग बात है कि दारू वालों के पास मदुआ आते हैं पीने के लिए और दूध वाले घर घर लेके पहुंचाता है, लेकिन ये हो सकता है। अब सोचो राजीव भाई के ऑल ओवर उड़ीसा में 1 लाख तो भक्त होंगे, ज्यादा नहीं होने से 0.5% तो होंगे, हाँ 1 लाख हो जाएंगे लेकिन चिपकर बैठ जाएंगे। छिपकर बैठने दो ना, उनको आने का जरूरत नहीं काम करने का, अरे हमारा प्रोडक्ट तो यूज कर लेंगे,
जी जब आप सब हम सब लगेंगे और व्हाट्सएप करेंगे फेसबुक करेंगे, अब किसी ने फेसबुक किया बोल के तो वो राजेश का सामान 10,000 रुपया माल बेचा आ जाके कहाँ गया? अरे महाराज कितना का बेच के आए? बेच के आया ना, चलो उधारी पड़ा रहे कोई बात नहीं है, 10,000 वो पहुंचाया ना कटक से ला के सुंदरगढ़ में, 600 किलोमीटर दूर में माल ड्रॉप करके गया ना। अगर 10,000 एक रात में वो बेच रहा है, एक लड़का होके 23 साल उम्र का लड़का, आप लोग क्या नहीं कर सकते? बाल पक चुका है, आधा गिर गया, देखो फिर क्या नहीं कर सकते हो? बुद्धि मांकड़ा बूढ़ा हुए जेते गौड़ी पकड़ो गच्छ चढ़ी। हो हाँ अब क्या समझे, और क्या समझाना? खबर समझ में आ रहा क्या बोला? नहीं समझ में आ। बंदर जितना बूढ़ा होता है पेड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस उसका ज्यादा रहता है, इसका बहुत बहुआयामी विषय है, समझ जाना तो समझ जाओ नहीं तो बाबा जी का। खबर तो इसीलिए इतना सारा घर बनाया। और दूसरा क्या था?